वंदे मातरम मदरसों में गाना चाहिए? गाना चाहिए, बिल्कुल गाना चाहिए। वंदे मातरम गाकर सुनाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में फर्क क्या है? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का फर्क नहीं। मदरसों में वंदे मातरम गाना चाहिए? हाँ बिल्कुल गाना चाहिए सर, क्योंकि भारतीय होने के नाते हमें मदरसों में बिल्कुल गाना गाना चाहिए, और हमें जब तक जहाँ तक भी हो सके अपने देश के लिए सब कुछ करना चाहिए। अच्छा, वंदे मातरम गाकर सुना दो फिर दो लाइन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में फर्क क्या है? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में फर्क यह है कि सर 15 अगस्त को जो है हमारा देश को लागू किया गया था, और हाँ, और 26 जनवरी को हमारा देश आजाद हो गया था। मदरसों में वंदे मातरम गाना चाहिए? बिल्कुल सर गाना चाहिए, चाहे मदरसे हो, चाहे आरएसएस का कार्यालय हो, चाहे ईसाइयों का चर्च हो, हर जगह गाना चाहिए, इंडिया में तो गाना ही चाहिए। वंदे मातरम गा के सुनो। वंदे मातरम सर मुझे नहीं। गणतंत्र दिवस को सर हमारी जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई चालू हुआ था, और स्वतंत्रता दिवस को हमें आज़ादी मिली थी। मदरसों में वंदे मातरम गाना चाहिए? बिल्कुल गाना चाहिए सर। वंदे मातरम गा के सुनाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में फर्क क्या है? मदरसों में वंदे मातरम गाना चाहिए कि नहीं? हर भारतीय नागरिक को गाना अधिकारी है ये वंदे मातरम। वंदे मातरम उसके पर उतना याद नहीं है मुझे। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या है? स्वतंत्रता दिवस में जो है हमारे भारत जो है आज़ाद हुआ था 1947 को, और 26 जनवरी को हमारे संविधान लागू हुआ। वंदे मातरम, वंदे मातरम जनगण वो सुना ना। वंदे मातरम, वंदे मतलब थोड़ा सा बता दो मुझे। मदरसों में क्या वंदे मातरम गाना चाहिए? मैंडेटरी नहीं है, जिनको अगर पसंद नहीं है उनको तो गा भी सकते, नहीं भी तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कह सकते। नहीं मुझे आता नहीं। गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के थ्रू, और 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था।